Hello everyone, welcome to the next video of PGT Computer Science. Today in this video we are going to discuss database management system. And for database management system we will have 100 MCQs in which first 50 questions will be very simple questions of a simple level. Then we will see some questions on normalization, queries and transaction management system. Okay, those will be the numericals which are actually of the next level. So before discussing the MCQs of DBMS, we will see what are the topics on which we are going to see the MCQs. Okay, so in DBMS, first we will see the MCQs on basics, or you can say introduction. First we will see the introduction, okay, in which we will see the questions on schema, instance, keys, and what is row, column, and tables. Okay, then we will see what is ER model. Okay, we will see the we will see the questions on ER model. Then we will see on relational model. तो सबसे पहला हर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे पहला है आपको इंट्रोडक्शन देखना होगा. इंट्रोडक्शन में आप ये देखोगे कि इस पूरे कोर्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं. ओके, सो जैसे डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो सबसे पहला फेस है ER मॉडल. इसका मतलब है कि आपके पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो भी आप बना रहे हो उसका एक मॉडल बनाना डायग्रामेटिक फॉर्म में कि वो दिखेगा कैसे. उसके बाद में वो जो आपने मॉडल बनाया है, जो आपने ईआर डायग्राम बनाया है, उनको फाइनली टेबल्स के फॉर्म में मैप करना. वो हम रिलेशनल मॉडल में देखेंगे. ओके, उसके बाद हम देखेंगे रिलेशनल एलजेब्रा पे कुछ क्वेश्चंस. ओके, रिलेशनल एलजेब्रा जो कि पूरा मैथमेटिकल मॉडल है एसक्यूएल क्वेरीज के लिए. आप एसक्यूएल क्वेरीज लिख पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेशनल एलजेब्रा. रिलेशनल एलजेब्रा आपको बेसिक्स देगा एसक्यूएल के कि आप क्वेरीज कैसे कैसे लिख सकते हो, क्योंकि रिलेशनल एलजेब्रा एंड एसक्यूएल दोनों की दोनों ही आपकी प्रोसीजर लैंग्वेज है, यानी ओके क्वेरी लैंग्वेज जो कि प्रोसीजरल है. तो क्वेरी लैंग्वेज भी दो तरह की हो सकती है, दैट इज एक प्रोसीजरल और एक डिक्लेरेटिव. तो अगर रिलेशनल कैलकुलस की बात करें तो वो डिक्लेरेटिव है. इसके बाद में हम देखेंगे एसक्यूएल एंड देन नॉर्मलाइजेशन और फिर हम देखेंगे क्वेश्चंस ऑन ट्रांजेक्शंस एंड कॉन्करेंसी. ट्रांजेक्शंस एंड कॉन्करेंसी और सबसे लास्ट पे फिर हम देखेंगे इंडेक्सिंग. ओके, तो इन सब टॉपिक्स पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. इन सब क्वेश्चंस, इन सब टॉपिक्स पे हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं. सो अगर आपने अभी एग्जाम देखा हो, अभी रिसेंटली इसरो का एग्जाम भी हुआ और बार का भी, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम के परस्पेक्टिव से. अगर कोई भी एग्जाम आपका कंप्यूटर साइंस चेक कर रहा है तो डीबीएमएस जरूर चेक करेगा आपका. डीबीएमएस चेक करने के लिए आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस देगा. दिस मीन्स दैट के एसक्यूएल क्वेरी से क्वेश्चंस ज्यादा होंगे. उसके बाद में ट्रांजेक्शन कॉन्करेंसी कंट्रोल एंड नॉर्मलाइजेशन, कीज, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सो इन सब पे हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं. पहला क्वेश्चन है अ रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ व्हाट. ओके, रिलेशनल डेटाबेस, तो अगर हम डेटाबेस की बात करें, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स एंड टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड रो कंटेंस फील्ड्स विच वी कॉल एट्रीब्यूट्स. ओके, सो एक डेटाबेस में कई सारी टेबल्स होंगी, एक टेबल के अंदर कई सारे रिकॉर्ड्स होंगे, या फिर आप कह सकते हो रिकॉर्ड्स को ही टपल्स भी बोल सकते हो. एक टपल के अंदर कई सारे फील्ड होंगे, फील्ड को ही आप एट्रीब्यूट बोल सकते हो या फिर कॉलम बोल सकते हो. तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं बेसिक्स एक टेबल के बारे में, डेटाबेस के बारे में. रिलेशनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इसको रिलेशंस की फॉर्म में बना रहे हैं. डेटाबेस जो होगा वो रिलेशंस की फॉर्म में होगा. रिलेशन मीन्स टेबल्स की फॉर्म में, क्योंकि जो भी आप एक डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स होंगे उन टेबल्स में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा. बिना रिलेशन के डेटाबेस के अंदर टेबल्स नहीं हो सकती. ओके, या तो वो किसी लेट्स से फॉरेन की के थ्रू कनेक्टेड होंगे, या फिर उनमें वो सब एक ही डोमेन के होंगे. ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ टेबल्स लेट्स से एक कंपनी के से रिलेटेड है और कुछ टेबल्स जो है वही कॉलेज से रिलेटेड है एक डेटाबेस के अंदर. अगर एक डेटाबेस है तो एक डेटाबेस कंप्लीटली एक कंपनी का बनेगा या फिर एक पूरी यूनिवर्सिटी का बनेगा. तो वो उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा. हर एक टेबल जो डेटाबेस के अंदर होगी उनमें आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, इसलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस बोल रहे हैं. क्योंकि हम एंटिटीज को रिलेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, रिलेशन को ही हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल्स बोल देते हैं. तो रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स. अगर आपसे पूछा जाए टेबल्स इज ए कलेक्शन ऑफ व्हाट, यू कैन से रिकॉर्ड्स और टपल्स. टपल्स को ही हम रो भी बोलते हैं. ओके, तो अगर आप टेबल का स्ट्रक्चर देखें तो टेबल कुछ इस तरह से होगी. एक डेटाबेस के अंदर लेट अस से टेबल आर, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे लाइक दिस, लेट अस से ए बी सी डी.
और कम से कम एक एट्रीब्यूट ऐसा होगा, एक एट्रीब्यूट ना हो तो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट ऐसा होगा जो की फॉर्म करेगा। लेट अस अगर मैं इसकी बात करूँ की की 1 2 3 4 5, तो जो भी की फील्ड होगा, अगर मैं कहूँ ए यूनिक की है, तो उसके सारे उसमें हर एक वैल्यू यूनिक होगी, ओके, रिपीटेड वैल्यूज नहीं होगी। और अगर मैं बात करूँ प्राइमरी की, तो उसमें नल वैल्यूज भी नहीं हो सकती है, ओके। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज डालता हूँ, लेट अस से लाइक दिस, और यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं, लेट से 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बी की नहीं हो सकती है और सी बी की नहीं हो सकती है, डीबीपी का रिपीटेड वैल्यू तो डीबी की नहीं हो सकती है, लेकिन ए को हम की बोल सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 1 1 लाइक दिस, अगर ये वैल्यूज इस तरह से हैं, ओके, तब आप कह सकते हो। और लेट्स से यहाँ पे भी 125 है, अगर ये टेबल इस तरह से है, तो फिर ए अगर इंडिविजुअली ए की बात करें तो ए की नहीं हो सकती है, बी भी की नहीं हो सकती है, सी भी की नहीं हो सकती है। लेकिन अगर मैं दोनों कॉम्बिनेशन लूँ, अगर मैं ए और बी का कॉम्बिनेशन लेता हूँ, तो वो की हो सकती है, क्योंकि 1A हर एक लेफ्ट हैंड साइड में ए बी एक यूनिक वैल्यू दे रहा है। मतलब क्या है कि की का मतलब ये, अगर आपके पास में ये एट्रीब्यूट्स हैं तो आप किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू बता पाओ सारे एट्रीब्यूट्स की, तो जो पूरी टेबल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। इसका मतलब ये, अगर आपके पास में ए बी है तो आप बता सकते हो कि सी की वैल्यू क्या होगी और डी की वैल्यू क्या होगी, ओके, इस तरह से कीज काम करेगी। तो इस पूरे एक रो को बोलते हैं रिकॉर्ड, रिकॉर्ड भी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो टपल या फिर रो, सब एक ही चीज़ है। तो इसलिए कह सकते हैं कि टेबल जो है वो एक्चुअली में रोज का कलेक्शन है, और एक रो जो है इसमें कई सारे कॉलम्स हैं, कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप अमंग सेट ऑफ वैल्यूज, ओके, ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो सेट ऑफ वैल्यूज के बीच में रिलेशन बताएगा, और वो है की। की का मतलब ये, अगर आपके पास में ये एट्रीब्यूट है लेट अस से ए, तो आप बाकी सब एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज बता पाओ कि बी क्या होगा, सी क्या होगा और डी क्या होगा। इसका मतलब ये रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल है लेट अस से स्टूडेंट की, और स्टूडेंट के अंदर एक कॉलम है रोल नंबर, तो रोल नंबर यूनिक होगा हर किसी का। अगर आपके पास में रोल नंबर है तो आप नाम बता सकते हो, उसका एड्रेस बता सकते हो, उसका मोबाइल नंबर बता सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में नाम है तो आप रोल नंबर नहीं बता सकते हो, हो सकता है कि नेम जो है डुप्लीकेट हो। तो ऐसा हो सकता है कि ए और ए दो नेम्स हैं, और हो सकता है कि इसका रोल नंबर 1 है, इसका रोल नंबर 2 है। तो आप अगर आपके पास में नेम है तो आप ये नहीं बता सकते उसका रोल नंबर क्या होगा, क्योंकि दो रोल नंबर है, आप श्योर नहीं हो कि रोल नंबर कौन सा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो की होगी वो यूनिक होगी, यूनिक वैल्यूज होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म विच इज यूज टू रेफर टू अ रो, ओके, जैसे मैंने बताया रो को हम टपल भी बोल सकते हैं, टपल या फिर रिकॉर्ड। सो द राइट आंसर इज टपल। दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चन, ओके, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दिस क्वेश्चन, बिकॉज इन आई हैव सीन द पेपर ऑफ पीजीटी एंड टीजीटी, पीजीटी और टीजीटी में नॉर्मल इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, ओके, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अगर आप नेट की प्रिपरेशन करो तो बिल्कुल इरेलीवेंट है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन इससे आ जाए, लेकिन यूजीसी नेट में और गेट में कभी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो। हमेशा अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो सिंपल, जो बहुत ही छोटे लेवल के एग्जाम है, लाइक पुलिस डिपार्टमेंट में आईटी का एग्जाम हो गया, या फिर लेट अस से आपका पीजीटी टीजीटी हो गया, स्कूल लेवल के एग्जाम्स हो गए, ओके, तो इस तरह के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और हमारा जो मेन अभी टारगेट है वो पीजीटी और टीजीटी के लिए ही ये वीडियोस हैं, ओके, तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस हैं। आपको लग रहा है कि बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, ओके, जो हम देख रहे हैं अभी, ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ चीज़ें इतनी ऑब्वियस होती हैं कि वो याद रखना याद नहीं रहती हैं, तो इसलिए हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे। द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू अ व्हाट ऑफ ए टेबल, तो ये बात कर रहा है जो एट्रीब्यूट, जो वर्ड है एट्रीब्यूट, इसका मतलब क्या होगा एक टेबल में। तो मैंने बताया था अभी एट्रीब्यूट को ही हम कॉलम भी बोलते हैं, ओके, कॉलम या फिर फील्ड या फिर एट्रीब्यूट, सब सेम चीज़ें हैं। सब किसको रेफर कर रही है, सब उसी चीज़ को रेफर कर रही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज एट्रीब्यूट। एक टेबल के अंदर कई सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट है तो उसके एट्रीब्यूट होंगे रोल नंबर, नेम, उसका एज एंड उसके कोर्स, लाइक दिस, तो इसको बोलते हैं कॉलम, ओके, कॉलम या एट्रीब्यूट या फिर फील्ड, इसी को हम सब चीज़ें बोलते हैं। और इसके अंदर कुछ वैल्यूज जो होंगी वो एक डोमेन से ही होंगी, इसका डोमेन प्री डिफाइंड होगा। इसका मतलब क्या है, डोमेन प्री डिफाइंड होगा, हम पहले ही बता देंगे कि इसके अंदर जो वैल्यूज है या तो इंटीजर होंगी या कैरेक्टर होंगी या स्ट्रिंग होगी या वेरिएबल कैरेक्टर्स होंगी, और वैल्यूज जो होंगी उनकी रेंज भी यही होगी स्पेसिफिक, इस रेंज के अंदर ही वैल्यूज हो सकती है और इतनी डिजिट की वैल्यूज हो सकती है। ये सब चीज़ें हम पहले ही बताएंगे, उसको हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन मतलब जहाँ से वो वैल्यूज ली जा सकती हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन देर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज, जैसे मैंने अभी बताया
called the domain of the attribute. Okay, set of permitted values, this is important. Set of permitted values means कि आपने let us say एक table बनाई और उसके अंदर एक, एक ये attributes हैं a b c और आपने कहा कि a जो है वो integer होगा, जो b है वो char होगा और c है वो var char होगा. Okay, अभी difference देखेंगे char में और var char में क्या difference है जब हम SQL पढ़ेंगे. SQL में data types हैं. तो इंटीजर का मतलब यह है कि इस ए के अंदर डोमेन का मतलब यह है कि इसका डोमेन इंटीजर है. जब मैंने कहा कि इंट जो एट्रीब्यूट ए है वो इंट होगा, जब मैंने एक, एक जब मैंने टेबल को क्रिएट किया होगा तो मैंने बताया होगा ए जो होगा वो इंट होगा. ये डिफाइन ये स्पेसिफाई करने का मतलब यह है कि मैं ए को कह रहा हूँ कि ए का जो डोमेन होगा वो इंटीजर वैल्यू होगी. ओके, ए के अंदर आप इंटीजर वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो. जब भी आप कोई कैरेक्टर वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगा. ओके, सो दिस इज द सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज, मतलब इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज ही होती हैं, उसको बोलते हैं डोमेन. ऑप्शन ए, डेटाबेस विच डेटाबेस व्हाट विच इज द लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस एंड द डेटाबेस विच इज स्नैपशॉट ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस एट अ गिवन इंस्टेंस इन टाइम. तो हम स्कीमा और इंस्टेंस की बात करें, स्कीमा का मतलब ये है जब आप डेटाबेस डिजाइन करोगे, डेटाबेस डिजाइन करने के बाद में एक्चुअली जब आप डेटाबेस जब आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे होंगे, मतलब लेट अस से डेटाबेस डिजाइन कैसे होगा, इनिशियली आप क्लाइंट से कॉन्टैक्ट करोगे, क्लाइंट आपको पूरी आपकी रिक्वायरमेंट्स बताएगा कि मेरी ये कंपनी है, इस कंपनी में इतने एम्प्लॉयज़ हैं और एंटिटीज़ क्या क्या हैं. एंटिटीज़ मतलब क्या क्या क्लासेज हैं, क्या क्या अलग अलग हमारे इसमें एंटिटीज़ हैं जिनके लिए टेबल्स बननी है. मतलब ऐसे मान लो एंटिटी एक टेबल की तरह है. तो एंटिटी मतलब मेरी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय एंटिटी होगी. ओके, एक मैनेजर एंटिटी होगी, एक लेटर से डिपार्टमेंट एंटिटी होगी. तो इस तरह से कई सारी एंटिटीज होगी जिनके लिए टेबल्स बनेंगी. उसके बाद में बताएगा कि इन एंटिटी के बीच में रिलेशन क्या होगा. ऐसे होगा कि एम्प्लॉय इज रिलेटेड टू डिपार्टमेंट. अब उसने बताया कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन किस तरह की रिलेशनशिप है वो भी बताएगा. कि ऐसा हो सकता है कि कई सारे एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, हो सकता है कई सारे एम्प्लॉयज एक डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हो, दिस इज पॉसिबल. तो रिलेशनशिप जो होगी वो मैनी टू वन रिलेशनशिप होगी. ओके, तो आप पहले ईआर डायग्राम बनाओगे. ईआर डायग्राम बनाने के बाद में जो डिजाइनर होगा, उसके बाद डिजाइनर स्कीमा डिजाइन करेगा. मतलब वो ये डिसाइड करेगा कि टेबल कौन कौन सी बनेगी और टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे. ओके, उसी को हम स्कीमा बोलते हैं. स्कीमा का मतलब ये है कि टेबल का नाम, लेट अस से एम्प्लॉय, और उसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे. फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी, उसने कहा कि एम्प्लॉय आईडी एक एट्रीब्यूट होगा, एक एम्प्लॉय नेम एट्रीब्यूट होगा, एक उसका डिपार्टमेंट होगा, एक उसकी एज होगी. ये सब एट्रीब्यूट्स होंगे एक एम्प्लॉय के. ओके, फिर उसने कहा कि एक एंटिटी जो होगी वो डिपार्टमेंट होगी, और उसने कहा कि डिपार्टमेंट की भी एक डिपार्टमेंट आईडी होगी जो कि यूनिक होगी, डिपार्टमेंट का नाम होगा एंड डिपार्टमेंट की लोकेशन होगी. तो इस तरह से डिपार्टमेंट होगा. तो अब सेकेंड लेवल पे ये सब डिज़ाइन करने के बाद में आप टेबल्स, उन जो आपने ईआर डायग्राम्स बनाए थे उन ईआर डायग्राम्स को टेबल्स की फॉर्म में, उनको टेबल्स की फॉर्म में मैप करोगे. यानी कि हर एक ईआर डायग्राम के लिए कुछ टेबल्स बनेंगी. तो टेबल्स जो बनेगी वो एंटिटीज एंड रिलेशन के अकॉर्डिंगली बनेगी. जैसे लेटर से आपके पास में एम्प्लॉय एंटिटी है और ये रिलेटेड है किसी दूसरी एंटिटी से, लेटर से मैनेजर से, और जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू वन है. ओके, मैनी साइड है और वन साइड है. ओके, रिलेशनशिप में और पार्टिसिपेशन रेशियो में डिफरेंस है. कभी कभी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा लाइक दिस 1 to m, इसमें और इन दो चीज़ों में डिफरेंस है. ओके, ये पार्टिसिपेशन रेशियो है और ये रिलेशनशिप है. तो अब ये बताने के बाद में अब क्या करोगे, आप देखोगे कितनी टेबल्स बननी चाहिए. अब आप इसके लिए तो डेफिनेटली एक टेबल होगी होगी, इसके लिए भी एक डेफिनेटली टेबल होगी होगी. क्या आप इसको मर्ज कर सकते हो इनमें से किसी एक के साथ में? ज़रूरी है कि रिलेशनशिप के अलग टेबल बनाएं, वो फिर आप मिनिमाइजेशन करने की कोशिश करोगे. तो स्कीमा का मतलब है कि लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस, जिसके अंदर अभी हम ये बात हम डेटा की बात नहीं कर रहे हैं कि इनके अंदर डेटा क्या है. अभी सब हमने ये डिसाइड किया है कि ये टेबल होगी और इसके अंदर ये सब जो है एंट्रीब्यूट्स होंगे. अभी आपने ये डिसाइड नहीं किया है कि उसके अंदर वैल्यूज़ किस तरह की होंगी और वैल्यूज़ क्या क्या होंगी. वैल्यूज़ आप बाद में डालोगे, अभी आप सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हो. इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आप वैल्यूज इंसर्ट करना स्टार्ट करोगे जब आप उनको यूज़ करोगे. तो अभी ये डेवलपर बना रहा है डेटाबेस, डेटाबेस डिजाइनर डेटाबेस डिज़ाइन कर रहा है. वैल्यूज़ कौन इंसर्ट करेगा? वैल्यूज़ आएंगी आपके क्लाइंट की साइड से. ओके, सो अभी लॉजिकल डिज़ाइन जो है वो कौन करता है? डेटाबेस डिज़ाइनर. और हर एक कंपनी के अंदर, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होगा जिसकी सबसे बड़ी जॉब होगी. ओके, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की सबसे हाई पेइंग जॉब होती है. इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आप डेटाबेस की जॉब में जाओगे तो डेटाबेस की जॉब में सॉफ्टवेयर डेटाबेस आर्किटेक्ट एक अलग से जॉब होगी जो सबसे बड़ी जॉब होगी डेटाबेस के फील्ड में. ओके, तो यहाँ पे होगा स्कीमा. स्कीमा क्या है? लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस.
अब ये कह रहा है कि एंड द डेटाबेस विच इज स्नैपशॉट ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस। स्नैपशॉट ऑफ डेटा इन डेटाबेस का मतलब है कि आपने इनको टेबल्स की फॉर्म में मैप कर दिया। आपने कहा कि एम्प्लॉय की एक टेबल है और उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि उसके अंदर एक एम्प्लॉय आईडी है, एक एम्प्लॉय नेम है और एक डिपार्टमेंट है और एक एज है। ओके, लेट अस से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड एज। अब इनके अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट करना स्टार्ट करोगे लाइक दिस। एम्प्लॉय आईडी जो होगी वो यूनिक होगी, उसके बाद में नेम्स होंगे, नेम्स जो है वो डुप्लीकेट हो सकते हैं। डिपार्टमेंट होगा जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट लेट अस से डिपार्टमेंट डी वन डी टू, और एज भी समथिंग लाइक दिस कुछ एज होंगी। ओके, तो अभी ये क्या है, ये एक स्नैपशॉट है इस डेटाबेस का। स्नैपशॉट का मतलब ये कि अभी एक इंस्टांस है, हो सकता है ये चेंज हो सकता है फ्यूचर में ये अपडेट हो, लेकिन आपने कहा मुझे टी इक्वल्स टू 10 पे ये देखना है कि डेटाबेस क्या है। जब आपने टी इक्वल्स टू 10 पे देखा तो डेटाबेस आपको ये मिला, इसका मतलब ये कि एक इंस्टांस पे डेटाबेस ये था। हो सकता है कि टी इक्वल्स टू 20 सेकंड्स पे डेटाबेस का इंस्टांस कुछ और हो, तो इंस्टांस जो है एक डेटाबेस का चेंज हो सकता है, क्योंकि आप हो सकता है इसमें वैल्यूज इंसर्ट करो, हो सकता है वैल्यूज में डिलीट कर दो, तो डेटा टेबल चेंज हो जाएगी। तो इंस्टांस जो डेटाबेस का होगा वो चेंज होता रहेगा, इसलिए इसको कह रहे हैं कि स्नैपशॉट ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस एट ए गिवन इंस्टांस ऑफ द टाइम। तो जो स्कीमा है वो हमेशा सेम रहेगी, स्कीमा आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप उसका इंस्टांस चेंज करते रहोगे। ओके, इंस्टांस तो चेंज होता रहेगा, जब वैल्यूज चेंज होगी तब तक इंस्टांस चेंज होगा। तो पहले में आएगा स्कीमा और दूसरे में आएगा इंस्टांस। ओके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि स्कीमा एंड इंस्टांस, डी ऑप्शन। सो सेवेंथ क्वेश्चन इज, कोर्स एक स्कीमा दी हुई है हमें जिसमें टेबल का नाम है कोर्स और उसके अंदर एट्रीब्यूट है कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी एंड सेमेस्टर। अब ये पूछ रहा है कि हेयर द कोर्स आईडी एंड सेक्शन आईडी एंड द सेमेस्टर आर व्हाट एंड कोर्स इज ए व्हाट। सो अगर आप बात करो कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी एंड सेमेस्टर, तो ये सब क्या है, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के, है ना। हेयर आर द कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी एंड सेमेस्टर आर द एट्रीब्यूट्स। और अगर बात करें कोर्स की, अगर मैं सिंपल इसकी बात करूँ, कोर्स जो टेबल का नाम है, ओके, कोर्स जो टेबल का नाम है, कोर्स के बारे में बात कर रहा है, कोर्स इज ए रिलेशन। कोर्स क्या है, रिलेशन है। तो आप बोल सकते हो ये पूरी स्कीमा है, स्कीमा के अंदर ये रिलेशन है और उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, और जो इंडिविजुअल है वो क्या है, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स हैं। सो द आंसर इज एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशन, दैट इज बी। एट्थ क्वेश्चन, वी हैव टू स्कीमाज। पहली स्कीमा है डिपार्टमेंट जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स है डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग एंड बजट, और दूसरी स्कीमा है एम्प्लॉय जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। अब ये कह रहा है कि हेयर द डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट अपीयर्स इन बोथ द रिलेशन, हेयर यूजिंग कॉमन एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन स्कीमा इज वन वे ऑफ रिलेटिंग व्हाट, द टपल ऑफ कॉमन और टपल ऑफ डिस्टिंक्ट। तो ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट इज अ कॉमन एट्रीब्यूट विच इज अपीयरिंग इन बोथ ऑफ द टेबल्स। हो सकता है कि डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट नेम है, हो सकता है कि वो फॉरेन की हो, डिपार्टमेंट नेम जो है फॉरेन की हो सकता है। यहाँ पे एम्प्लॉय वाली टेबल में फॉरेन की है और इस वाली टेबल में नॉर्मल एट्रीब्यूट है, क्योंकि एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट नेम है वो लेटर से रेफर कर रहा है इस डिपार्टमेंट नेम को। इसका मतलब क्या है कि इसमें वही वैल्यूज होंगी जो वैल्यूज यहाँ पे होगी। अब ये कह रहा है कि हेयर द डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट अपीयर्स इन बोथ द रिलेशंस, हेयर यूजिंग कॉमन एट्रीब्यूट इन रिलेशन स्कीमा इज वन वे ऑफ रिलेटिंग व्हाट, कॉमन टपल और कॉमन एट्रीब्यूट, टपल ऑफ कॉमन, टपल ऑफ डिस्टिंक्ट, एट्रीब्यूट ऑफ डिस्टिंक्ट। सो यू कैन से टपल ऑफ कॉमन। जब आप इनका ज्वाइन करोगे, ये कह रहा है कि ज्वाइन क्या कहता है कि आपके दोनों टेबल्स में एक एट्रीब्यूट, एटलीस्ट एक एट्रीब्यूट जो है वो दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो अगर दोनों में एट्रीब्यूट कॉमन है तो आप ज्वाइन लगा सकते हो, और ज्वाइन के अकॉर्डिंगली आप टपल्स को, कॉमन टपल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अ डोमेन इज एटॉमिक इफ एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन आर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल, इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब है कि जिसको आप फर्दर डिवाइड ना कर पाओ। तो आप किसी भी डोमेन को एटॉमिक तभी बोलते हो जब उसमें सिर्फ उसकी वैल्यूज जो हैं वो एटॉमिक होगी। डोमेन एटॉमिक है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर वैल्यूज जो होंगी वो एटॉमिक होगी, उससे आप कोई नई वैल्यू ड्राइव नहीं कर सकते हो, या फिर उसको किसी और से ड्राइव नहीं कर सकते हो, वो एक इंडिविजुअल इनडिविजिबल यूनिट है। ओके, इंडिविजुअल का मतलब है कि उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ लेट्स से नेम की, तो आप नेम जो है नेम को एटॉमिक वैल्यू नहीं बोल सकते हो, नेम में एटॉमिक एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो, कैसे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम।
तो ये इंडिविजिबल यूनिट नहीं है, नेम जो है इंडिविजिबल यूनिट नहीं है, इसलिए ये एटॉमिक नहीं है। तो एटॉमिक वो वैल्यूज होंगी जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। ओके, द टपल्स ऑफ द रिलेशन कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। ओके, जरूरी नहीं है कि वो शॉर्टेड ऑर्डर में हो या फिर सेम ऑर्डर में हो या फिर कॉन्स्टेंट हो, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। टपल एक रिलेशन के अंदर, यानी कि रोज जो है एक रिलेशन के अंदर किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, और ऑर्डर डजेंट मैटर। आप टपल को ऐसे ही देख सकते हो जैसे एक कोई कोई सेट है और सेट के अंदर वैल्यूज हैं, तो सेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। जैसे मैंने बताया था पिछली क्वेश्चन में, पिछले लास्ट टू थ्री क्वेश्चन में हमने कीज की बात की थी। लेट अस से ये टेबल है, इस टेबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लेट अस से एस आई डी, एस नेम, एज एंड क्लास। तो ये सब एट्रीब्यूट्स हैं एक स्टूडेंट टेबल के। अब ये कह रहा है कि हम, अब कोड रूल ये कहता है, कोड रूल कहता है कि आपके आपके टेबल के अंदर कोई एट्रीब्यूट या तो सिंगल एट्रीब्यूट या फिर कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट ऐसे होने चाहिए जो पूरी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, क्योंकि अगर एस आई डी प्राइमरी की है तो एस आई डी अकेली काफ़ी है इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मान लो ऐसा हुआ हाइपोथेटिकली कि स्टूडेंट आई डी जो है वो डुप्लीकेट्स हैं। ओके, अब एस आई डी जो है वो की नहीं रहा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि ये अकेला तो नहीं बना सकता की, लेकिन ये किसी और के साथ में मिलके की बना सकता है। ओके, किसी और के साथ में मिलके की बना सकता है। लेट्स से आपने कंबाइन किया स्टूडेंट आई डी एंड नेम को, आपने कहा कि नेम और रोल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक होगा। हो सकता है कि अकेला रोल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक ना हो, लेकिन अगर आप इन दोनों को मिक्स कर दो तो कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिक हो सकता है। तो इस केस में अगर आप सिंपल सिंगल एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी की, लेकिन आप कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हो इस पूरी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसको कैंडिडेट की बोल सकते हो और फॉरन की सुपर की भी बोल सकते हो। कैंडिडेट की कब बोलेंगे? कैंडिडेट की तब बोलेंगे तब जब ये मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। अगर मैं कहूँ एस आई डी एंड एस नेम से आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो पूरी टेबल को, तो ये कैंडिडेट की हो गई। लेकिन अगर आप कहो कि एस आई डी, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो और आप इसमें कितने भी एट्रीब्यूट ऐड करो तब भी आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये एक्सटर्नल एट्रीब्यूट है जो मैंने एज ऐड किया है, लेकिन ये सुपर की है और ये कैंडिडेट की है। तो जितने भी कैंडिडेट की है वो सब की सब सुपर की तो है ही है। मतलब क्या है कि लेटर से ये सुपर की है तो यहाँ पे कैंडिडेट की है, लेकिन कुछ सुपर की ऐसी हैं जो कैंडिडेट की नहीं होगी। ओके, तो कैंडिडेट क्या है? कैंडिडेट की इज द मिनिमल सुपर की। इसका आंसर कैंडिडेट की भी हो सकता है एंड सुपर की भी हो सकता है। तो लेटर से फिर अभी के लिए हम सुपर की मार्क करेंगे, क्योंकि इसने ये नहीं कहा है कि मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगर ये कहता है कि वन और मोर एट्रीब्यूट्स देन यू कैन से फॉरन की, लेकिन अगर ये कहता है कि मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, देन आपको कैंडिडेट की मार्क करना था। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर एट्रीब्यूट्स आई डी सिटी एंड नेम, विच वन ऑफ दिस कैन बी कंसिडर्ड एज ए सुपर की। ओके, इनमें से किसको आप सुपर की बोल सकते हो? आपको पता है कि आईडी जो होगा आईडी यूनिक होगी। ओके, तो आईडी को आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सुपर की होगी, लेकिन आप आईडी के साथ में कुछ और भी ऐड करते हो तो वो भी सुपर की होगी। आईडी एंड सिटी भी सुपर की होगी, आईडी सिटी एंड नेम भी सुपर की होगी। ओके, लेकिन जो यूनिक, अब यूनिकली अगर आईडी ही यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है देन प्राइमरी की भी है ये, कैंडिडेट की भी है ये, क्योंकि मिनिमल एट्रीब्यूट है, एक से कम तो मिनिमल हो ही नहीं सकता है। तो ये मिनिमल एट्रीब्यूट, इसका मतलब क्या है कि कैंडिडेट की है। ये पूछ रहा है कि सुपर की के बारे में, तो नेम सुपर की नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है और आईडी के साथ में कोई और एट्रीब्यूट लगा सकते हो, लेकिन आईडी को नहीं छोड़ सकते हो। यानी कि आईडी सिटी आईडी नेम ये हो सकते हैं सुपर की, आईडी सिटी नेम ये सब सुपर की हो सकती है, लेकिन सिटी नेम नेम या फिर नेम आईडी ये भी सुपर की हो सकती है, लेकिन सिटी नेम सुपर की नहीं हो सकती है। या नेम अकेला सुपर की नहीं हो सकता है, ना सिटी अकेला सुपर की हो सकता है। तो मतलब नेम सिटी तो सुपर की हो ही नहीं सकती क्योंकि ये यूनिक नहीं है। तो आईडी कैंडिडेट की है एंड सिटी एंड आईडी सुपर की है। क्वेश्चन नंबर 13, द सबसेट ऑफ सुपर की इज ए कैंडिडेट की अंडर व्हाट कंडीशन। इसका मतलब यह है कि लेटर से अगर मैं कहूँ मेरे पास में तीन एट्रीब्यूट है एक टेबल के अंदर, ए बी एंड सी, और ए जो है वो यूनिक एट्रीब्यूट है, तो ए क्या है? ए एक सुपर की है, लेकिन ए बी भी एक सुपर की है एंड ए सी भी एक सुपर की है, ए बी सी भी एक सुपर की है। आप यूनिक एट्रीब्यूट के साथ में कितने भी एट्रीब्यूट ऐड कर दो दैट विल बी सुपर की। लेकिन अगर आप इसके साथ में, अगर ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है किसी टेबल को, तो ये कैंडिडेट की है। मतलब अगर मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होने चाहिए, मतलब अगर उसमें एक और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करते हो तो वो कैंडिडेट की नहीं रहेगी। तो किसी, अगर अगर आपकी सुपर की का प्रॉपर सबसेट, अगर आपकी कैंडिडेट की का कोई प्रॉपर सबसेट
कैंडिडेट की है तो आप नहीं कह सकते कि कैंडिडेट की है। ओके, किसी कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट कैंडिडेट की नहीं हो सकता। अगर आपको ए बी जो है वो कैंडिडेट की है, आपने कहा कि ए बी कैंडिडेट की है, लेकिन आप पूरे रिलेशन को ए से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ए क्या है सबसेट है इसका, तो ये कैंडिडेट की नहीं हो सकती, देन कैंडिडेट की यही होगी ए होगी। तो नो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की शुड बी ए बट कैंडिडेट की, नो प्रॉपर सबसेट इज ए सुपर की, ऑल सबसेट्स आर सुपर की, सबसेट इज ए सुपर की, ईच सबसेट इज ए सुपर की। तो हम कह रहे हैं कि नो प्रॉपर सबसेट इज ए सुपर की, इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि सबसेट ऑफ सुपर की इज ए कैंडिडेट की। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर रिलेशन रादर देन ऑफ द इंडिविजुअल टपल्स इन इन विच ईच टपल इज यूनिक। सो उसकी बात करते हैं हम, की अ की इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर रिलेशन, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट रिलेशन की प्रॉपर्टी। अ की इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर रिलेशन, पूरे रिलेशन की प्रॉपर्टी है, ना कि किसी सिंगल रो की, ना किसी एट्रीब्यूट की। अगर आप डोमेन की बात करो तो डोमेन में हम सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। रादर देन ऑफ द इंडिविजुअल टपल्स इन ईच इन विच ईच टपल इज यूनिक, तो हम बात कर रहे हैं की की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी टेकन एज ए प्राइमरी की, इनमें से किसको आप प्राइमरी की ले सकते हो। तो जहाँ भी आपको कोई भी आई डी दिखाई देगी वो प्राइमरी की होगी, सुपर कहीं भी आधार आई डी हो या फिर लेटर से स्टूडेंट आई डी हो या फिर एम्प्लॉय आई डी हो, सिंपल आई डी, ये सब क्या है सिंपल प्राइमरी की होगी। तो प्राइमरी की हमेशा यूनिक होगी एंड नॉट नल होगी। नेम भी डुप्लीकेट हो सकते हैं, स्ट्रीट नेम भी डुप्लीकेट हो सकते हैं, डिपार्टमेंट भी डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन आई डी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज ए प्राइमरी की, इनमें से किसको आप प्राइमरी की नहीं ले सकते हो। आईडी यूनिक होगी, प्राइमरी की हो सकती है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक होगा, ओके, ये भी प्राइमरी की होगी, डिपार्टमेंट आईडी भी यूनिक होगी। तो जहाँ जहाँ पे आईडीज यूज कर रहे हो सब क्या है प्राइमरी की है, लेकिन स्ट्रीट का जो नाम है वो डुप्लीकेट हो सकता है, तो इसलिए आप कहोगे स्ट्रीट जो है वो सुपर की, वो कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं हो सकती है। दिस इज टॉकिंग अबाउट कैन नॉट बी, तो स्ट्रीट प्राइमरी की नहीं हो सकती क्योंकि ये यूनिक नहीं होगा और हो सकता है कहीं कहीं पे नल भी हो। तो प्राइमरी की कहता है कि इट शुड बी यूनिक एंड नॉट नल, ओके, ये प्रॉपर्टी है प्राइमरी की होने की। क्वेश्चन नंबर 17, एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज ए फॉरेन की इफ द व्हाट की फ्रॉम वन रिलेशन इज यूज्ड एज एन एट्रीब्यूट इन दैट रिलेशन। एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज फॉरेन की इफ द प्राइमरी की फ्रॉम वन रिलेशन इज यूज्ड एज एन एट्रीब्यूट इन दैट रिलेशन। ओके, फॉरेन की का मतलब क्या है, लेट अस से दो टेबल है आपके पास में, एक टेबल तो यह है एम्प्लॉय की जिसके अंदर तीन एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी, ओके, एक टेबल है ई, फिर एक टेबल है एम, लेट अस से मैनेजर टेबल जिसके अंदर भी तीन एट्रीब्यूट्स हैं ए डी एंड ई। यहाँ पर क्या है, टेबल ए जो है यहाँ पे एट्रीब्यूट ए प्राइमरी की है, ओके, यहाँ पे एट्रीब्यूट जो है प्राइमरी की है, लेकिन ए सेम एट्रीब्यूट इस टेबल में नॉर्मल एट्रीब्यूट है, ये कोई प्राइमरी की नहीं है। यहाँ पे ए रेफर कर रहा है ए को, इसका रेफर करने का मतलब क्या है कि जो वैल्यूज यहाँ पर होगी वही वैल्यूज यहाँ पर हो सकती है, उनसे कम तो हो सकती है लेकिन उनके अलावा कोई और वैल्यूज नहीं हो सकती, मतलब यहाँ पे ऐसे हो सकते एंट्रीज ये हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई एंट्री फाइव की नहीं हो सकती क्योंकि फाइव यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके, तो फाइव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे उन्हीं वैल्यूज की एंट्री हो सकती है जो यहाँ पर है, ओके, आप ऐसे बोल सकते हो क्योंकि एम्प्लॉयज हैं, लेट अस से दिस इज एम्प्लॉय आईडी, तो वही एम्प्लॉयज मैनेजर टेबल में हो सकते हैं जो एक्चुअल में एम्प्लॉयज है कंपनी के। अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय ही नहीं है तो मैनेजर टेबल में कैसे हो सकता है, ओके, यही फॉरेन की बोल रही है। तो यहाँ पे ए फॉरेन की है और जिसको रेफर कर रहे हैं उस टेबल में वो प्राइमरी की है, ओके, तो इसको बोलते हैं रेफरिंग रिलेशन और इसको बोलते हैं रेफरेंस्ड रिलेशन। इसके अकॉर्डिंगली आपके पास में बहुत सारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटीज होंगी जिसको आप बोलते हैं, और लेटर से इंसर्शन इंटीग्रिटी, डिलीशन इंटीग्रिटी, अपडेशन इंटीग्रिटी, वो सब हम देखने वाले हैं। तो एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज ए फॉरेन की इफ द सेम एट्रीब्यूट, ओके, सेम एट्रीब्यूट दैट इज प्राइमरी की फ्रॉम वन रिलेशन इज यूज एज एन एट्रीब्यूट इन दैट रिलेशन। यहाँ पे प्राइमरी की है और यहाँ पे सिंपल एट्रीब्यूट है, इसको बोलते हैं फॉरेन की। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द रिलेशन विद द एट्रीब्यूट विच इज द प्राइमरी की इज रेफरेंस्ड इन अनदर रिलेशन, द रिलेशन विच हैज द एट्रीब्यूट एज प्राइमरी की इज कॉल्ड व्हाट। जैसे मैंने अभी बताया, जिस रिलेशन में प्राइमरी की है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस्ड रिलेशन, और जो जिसके अंदर फॉरेन की है उसको बोलते हैं रेफरिंग, दैट इज नोन एज रेफरेंस्ड रिलेशन।
द वॉट इज द वन इन विच द प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन इज यूज एज ए नॉर्मल एट्रीब्यूट इन अदर रिलेशन, दैट इज रेफरेंसिंग. ओके, बिल्कुल उल्टा पहले वाले क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 20, अ वॉट इंटीग्रिटी कंस्टेंट रिक्वायर्स दैट द वैल्यूज अपीयरिंग इन स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन ऑल्सो अपियर इन स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट ऑफ एटलीस्ट वन टपल इन द रेफरेंस्ड रिलेशन. जैसे मैंने अभी बताया कि जो रेफरेंसिंग रिलेशन होगा उसके अंदर वही वैल्यूज हो सकती हैं जो कि रेफरेंस्ड रिलेशन के अंदर है, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं हो सकती है. लेट अस से अगर ए है, ए फॉरन की है यहाँ पर, और एक सिंपल रिलेशन है जो कि रेफरेंस्ड रिलेशन है, ये रेफरेंस्ड रिलेशन है और इसके अंदर एट्रीब्यूट है लेट अस से लाइक दिस ए एक्स वाई जेड, किस तरह से एट्रीब्यूट है. अगर यहाँ पे ये लेट अस से ये प्राइमरी की है और ये फॉरन की है जो रेफरेंस कर रही है इसको, इसका मतलब ये रेफरेंस करने का मतलब ये कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं इसके अंदर वही वैल्यूज हो सकती हैं. जरूरी नहीं कि सारी की सारी वैल्यूज हों, लेकिन इनमें से ही वैल्यूज हो सकती है, इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं हो सकती है. तो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो ऐसे हो सकती है. ओके, लेकिन यहाँ पे कोई सिक्स वैल्यू, सिक्स के लिए कोई टपल नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है. आप कोई नई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हो यहाँ पे. यहाँ पे वही इस टेबल के अंदर वही वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो जो यहाँ पर इंसर्टेड है पहले से ही. ओके, तो इसको हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, जो आपको रेस्ट्रिक्ट करता है इंसर्शन इस टेबल में, डिलीशन इस टेबल से, अपडेशन दोनों से. ओके, अगर आप यहाँ से कुछ यहाँ पे कुछ इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो पहले उस वैल्यू को यहाँ इंसर्ट करो, जो कि रूल है इंसर्शन विद कैस्केड. ओके, तो कई सारे रूल्स है. अगर आपको यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो यहाँ पे टेबल में क्या करना है, क्योंकि दोनों टेबल रिलेटेड एक दूसरे से, तो अगर आप इस पे कोई ऑपरेशन करते हो तो इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा. अगर यहाँ पे कोई नई वैल्यू इंसर्ट करते हो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने यहाँ से कोई वैल्यू डिलीट करी और वो यहाँ पर भी थी तो आपको वैल्यू यहाँ से भी डिलीट करनी पड़ेगी, या फिर यहाँ पे नल सेट करना पड़ेगा, या फिर कोई भी चीज़ ना करो. दो तीन ऑपरेशन से जो आप कर सकते हो, एक्शन से जो ले सकते हो. ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट. 21. यूजिंग विच लैंग्वेज कैन अ यूजर रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस. आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करनी है, तो अगर आप SQL की बात करें तो SQL में कई तरह के पार्ट्स हैं. SQL लैंग्वेज के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ओके, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. तो इस तरह की इसकी 4 लैंग्वेजेस हैं SQL की, जो अलग अलग पर्पस के लिए हैं. अगर आप डेफिनेशन लेवल पे काम कर रहे हो, स्कीमा लेवल पे काम कर रहे हो, तो आप DDL यूज़ करोगे. आप डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, लेट से आप कुछ इंसर्ट कर रहे हो, या फिर कुछ डिलीट कर रहे हो, या फिर कुछ भी इस तरह के ऑपरेशन कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, इंसर्ट डिलीट अपडेट, ये सब कमांड है DML की. अगर आप क्वेरी कर रहे हो सिंपली, तो क्वेरी जो लैंग्वेज है वो है इसके अंदर आएगी. लेट से आपको कुछ फाइंड आउट करना है आपके टेबल से, तो आप क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करोगे. तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करनी है, लेटर से आपने कहा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये सिंपल सी क्वेरी है. इसका मतलब ये कि एम्प्लॉय टेबल को आपको प्रिंट करना है. एम्प्लॉय टेबल पूरी की पूरी उठ के आ जाएगी, क्योंकि आप स्टार कह रहे हो. स्टार मीन्स सारे के सारे टपल्स, आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये आप एक इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहे हो, और ये क्या है, ये पूरी की पूरी इसको बोलते हैं हम एक क्वेरी. तो क्वेरी के थ्रू आप रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हो डेटाबेस से. क्वेश्चन नंबर 22. स्टूडेंट एक स्कीमा है, इन दिस क्वेरी विच एट्रीब्यूट्स फॉर्म्स द प्राइमरी की. यू कैन से दिस इज इन दिस रिलेशन विच एट्रीब्यूट फॉर्म्स ए प्राइमरी की. तो आप कह सकते हो सिंपली आईडी प्राइमरी की बना सकता है. ओके, सिंपल. क्वेश्चन नंबर 23. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज. प्रोसीजरल लैंग्वेज, तो प्रोसीजरल का मतलब ये है कि आप जब भी आपको आप क्वेरी लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, तो अगर क्वेरी लैंग्वेज की बात करें तो दो तरह की लैंग्वेजेस हैं. एक है प्रोसीजरल, जब आप डेटाबेस से क्वेरी करते हो तो या तो प्रोसीजरल के थ्रू हो सकती है, या फिर लेट अस से डिक्लेरेटिव के थ्रू हो सकती है. प्रोसीजरल का मतलब यह कि यूजर ये बताएगा कि मुझे क्या चाहिए, और उसके बाद में ये बताएगा कि आपको वो कैसे एक्सेस करना है, हाउ टू फाइंड आउट. तो पूरी क्वेरी बताएगा यूजर, क्या करेगा, पूरी क्वेरी लिखेगा कि आपको मुझे ये चीज़ें चाहिए, और आपको डेटाबेस के अंदर वो ऐसे ऐसे उठा के लानी है. ओके, ये पूरा गाइड करेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कि आपको ये उठा के लाना है और ऐसे ऐसे लेके आना है. व्हाट एंड हाउ टू फाइंड आउट. डिक्लेरेटिव में यूजर सिंपली ये बताएगा कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वॉन्ट. तो सिंपली ये बता देगा कि लेटर से मुझे ये टेबल चाहिए और इस कंडीशन पे चाहिए. तो आप ये नहीं बताओगे कि कैसे कैसे आपको लेके आनी है, वो काम इस क्वेरी लैंग्वेज का है, वो कैसे उठा के लाएं. तो प्रोसीजर लैंग्वेज की बात करें तो रिलेशनल एलजेब्रा एंड SQL, ये दोनों की दोनों प्रोसीजर लैंग्वेजेस हैं. एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस
एंड रिलेशनल कैलकुलस, ये दोनों की दोनों डिक्लेरेटिव है। तो डोमेन रिलेशनल कैलकुलस एंड टपल रिलेशनल कैलकुलस, ये दोनों डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। एंड रिलेशनल एलजेब्रा एंड क्वेरी जो है वो क्या है आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, तो ये दोनों की दोनों प्रोसीजरल लैंग्वेज है, तो सी एंड डी दोनों आंसर है इसके। क्वेश्चन नंबर 24, द विच ऑपरेशन अलाउज द कंबाइनिंग ऑफ टू रिलेशन बाय मर्जिंग पेयर्स ऑफ टपल्स वन फ्रॉम ईच रिलेशन इनटू अ सिंगल टपल। तो ये काम करता है जॉइन ऑपरेशन। जॉइन ऑपरेशन क्या करता है, दो टेबल्स को ज्वाइन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट्स। कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पे दोनों टेबल ज्वाइन हो जाएंगे और एट्रीब्यूट जो होंगे, कॉमन एट्रीब्यूट सिर्फ एक बार आएगा दोनों में से, और एक पूरी एक सिंगल टेबल बन जाएगी जिसके अंदर आर के भी एट्रीब्यूट्स होंगे और एस के भी एट्रीब्यूट्स होंगे, और जो एट्रीब्यूट्स होंगे उनका एक्चुअल में यूनियन होगा। यूनियन का मतलब क्या है, लेटर से आर के अंदर ये टेबल थी आर और इसके अंदर तीन एट्रीब्यूट्स थे ए बी सी, और ये टेबल आर थी और एक टेबल थी लेटर से एस, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स थे ए एक्स वाई जेड, दो टेबल्स थी और जो ज्वाइन होगा वो यूनिक जो वो कॉमन एट्रीब्यूट पे होगा, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे ए कॉमन एट्रीब्यूट है तो ए के बेसिस पे ज्वाइन होगा। ज्वाइन होने के बाद में टेबल जो बनेगी, टेबल के अंदर एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे वो मेन है, तो आर ज्वाइन एस की जो टेबल बनेगी उसके अंदर एट्रीब्यूट्स कितने होंगे, फोर एंड थ्री सेवन, नॉट सेवन बट सिक्स, क्योंकि ए दोनों में कॉमन है, तो ए होगा उसके बाद में बी फिर सी और उसके बाद में एक्स वाई Z, तो जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो सिर्फ एक बार आएगा, यानी क्या हो रहा है एट्रीब्यूट्स का यूनियन हो रहा है। तो जो सो ये जो रिलेशनल एलजेब्रा है ये पूरा का पूरा डिफरेंट है, ये जो जॉइन ऑपरेशन है टोटली डिफरेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, पूरा का पूरा हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, और जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो भी हर एक एट्रीब्यूट एक एक बार होगा, चाहे वो कॉमन हो ना हो, तो दोनों के एट्रीब्यूट्स लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, द रिजल्ट विच ऑपरेशन कंटेन्स ऑल पेयर्स ऑफ टपल्स फ्रॉम द टू रिलेशंस रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर एट्रीब्यूट वैल्यूज मैच और नॉट। तो ये मैचिंग वैल्यू पे काम नहीं कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर एट्रीब्यूट वैल्यूज मैच। अगर आप ज्वाइन की बात करो तो ज्वाइन पहले वैल्यूज मैच कराएगा और जो वैल्यूज मैच करेगी उन्हीं को वैल्यूज को रिजल्ट में लेगा, लेकिन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो ये नहीं देखेगा कौन सी वैल्यूज जो है वो मैच कर रही है नहीं कर रही है, सब वैल्यूज को आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी टेबल है लेटर से एक आर टेबल है और उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं वही जो अभी तक हम ले रहे हैं ए बी सी, और इसके अंदर वैल्यूज हैं वन टू थ्री ए बी सी और यहाँ पे है एक्स वाई जेड, और एक और टेबल है एस जिसके अंदर मेरे एट्रीब्यूट्स हैं ए एक्स वाई जेड, इसके अंदर वैल्यूज हैं लेटर से वन फोर थ्री एंड देन ए बी सी एंड देन लेटर से ए बी ए सी सी ए एंड देन दिस इज वन टू टू वन टू टू। सो ये वैल्यूज हैं, अगर आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो आर इंटू एस, तो ये नहीं देखेगा कि वैल्यूज कहाँ कॉमन है कहाँ कॉमन नहीं है, ये सिंपली क्या करेगा सारे के सारे एट्रीब्यूट्स उठाएगा ए बी सी एक्स, इसमें से ए दोबारा से फिर से लेगा एक्स वाई जेड, सो ए बी सी ए देन एक्स देन वाई एंड देन जेड, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे, सारे एट्रीब्यूट इसके। अब क्या होगा, हर एक टपल के साथ में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वन ए एक्स उसके बाद में वन ए ए बी वन टू फिर वन ए एक्स जो है वो फोर के साथ में होगा, यानी कि वन ए एक्स तीन बार आएगा, वन ए एक्स तीन बार आएगा और ये टेबल आएगी पूरी की पूरी टेबल यहाँ पे आएगी, यानी कि फोर बी ए सी टू वन, उसके बाद में थ्री सी सी ए टू टू, इस तरह से तीन वैल्यूज ये होंगी, फिर तीन वैल्यूज जो है वो इसके लिए होगी, तीन वैल्यूज इसके लिए होगी, ओके। तो यहाँ पे फिर टू आएगा, फिर टू के लिए तीन वैल्यूज होंगी, फिर थ्री के लिए तीन वैल्यूज होंगी, तो टोटल वैल्यूज कितनी होगी, थ्री इंटू थ्री, टोटल नाइन टपल्स होंगे एक रिजल्ट के अंदर जो आर इंटू एस का रिजल्ट होगा, और एट्रीब्यूट कितने होंगे, एट्रीब्यूट होंगे एम प्लस एन, अगर लेटर से यहाँ पे थ्री एट्रीब्यूट्स हैं और यहाँ पे फोर एट्रीब्यूट्स हैं तो टोटल एट्रीब्यूट होंगे सेवन, ओके टोटल सेवन एट्रीब्यूट्स होंगे। तो इस तरह से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट काम करता है। अगर ज्वाइन ऑपरेशन की बात करें तो ज्वाइन ऑपरेशन किस तरह से होगा, आर ज्वाइन एस, इन दो टेबल्स का ज्वाइन ऑपरेशन कैसे होगा, तो ज्वाइन ऑपरेशन सिर्फ कॉमन वैल्यूज पे काम करेगा, कॉमन वैल्यूज क्या है, ए कॉमन एट्रीब्यूट है,
ए बी एंड सी, उसके बाद में आएगा एक्स वाई एंड देन जेड. ओके सो कॉमन एट्रीब्यूट, कॉमन वैल्यूज दो ही हैं, वन ए एक्स एंड थ्री सी जेड. तो पहले क्या होगा, वन ए एक्स, और यहाँ पे वन के लिए क्या वैल्यूज हैं, वन के लिए यहाँ पे वैल्यूज हैं ए ए बी वन टू. उसके बाद में थ्री आएगा, थ्री सी, ओके थ्री सी जेड एंड देन सी सी ए टू टू. तो ये ज्वाइन ऑपरेशन होगा और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा. तो आप देख सकते हो ज्वाइन ऑपरेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना डिफरेंस है. इसमें सिर्फ हम कॉमन वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी कॉमन वैल्यूज के बारे में बात नहीं करता है. सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26, द विच ऑपरेशन परफॉर्म्स अ सेट यूनियन ऑफ टू सिमिलरली स्ट्रक्चर टेबल्स. अगर आप यूनियन ऑपरेशन की बात करो रिलेशन एलजेब्रा में, तो यूनियन ऑपरेशन करने के लिए कि नहीं दो टेबल्स में वो यूनियन कंपैटिबल होनी चाहिए. यूनियन कंपैटिबल का मतलब ये है कि अगर आप दो टेबल्स आर यूनियन एस कर रहे हो, तो जो आर टेबल है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होने चाहिए. आर और एस के अंदर सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होना जरूरी नहीं है, उनका जो डोमेन है वो भी सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आर की बात करूँ, लेटर से आर है मेरी ए बी सी, और इनका जो डोमेन है इसका इंटीजर है, इसका कैर है एंड इसका लेटर से वेर कैर है, और एक और टेबल है एक्स वाई जेड जो कि लेटर से एस टेबल है. इसका जो डोमेन है वो है इंटीजर, इसका कैर एंड इसका लेटर से स्ट्रिंग, या कोई और भी हो सकता है, लेटर से फ्लोट हो सकता है. तो आप अब इन देखो, इन टेबल्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेम है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम है, ये भी डोमेन सेम है दोनों में, ये डोमेन भी सेम है, लेकिन यहाँ पे डोमेन सेम नहीं है. तो हर एक एट्रीब्यूट का डोमेन भी सेम होना चाहिए प्लस नंबर ऑफ एट्रीब्यूट भी सेम होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि वो सिमिलरली स्ट्रक्चर टेबल है, यानी कि वो यूनियन कॉम्पैटिबल टेबल्स हैं. तो कोई भी सेट ऑपरेशन करने के लिए आपकी दोनों टेबल्स यूनियन सेट कंपैटिबल होनी चाहिए, यानी कि ऑपरेशन कंपैटिबल होनी चाहिए. अगर आप इंटरसेक्शन कर रहे हो तो इंटरसेक्शन कंपैटिबल होनी चाहिए, यूनियन कर रहे हो तो यूनियन कंपैटिबल होनी चाहिए. तो इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं यूनियन, जिन पे हम दो टेबल्स का यूनियन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 27, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा फॉर प्रोजेक्टिंग अ सेट ऑफ टपल्स फ्रॉम अ रिलेशन इज व्हाट. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा फॉर प्रोजेक्टिंग अ सेट ऑफ टपल्स फ्रॉम अ रिलेशन इज व्हाट. तो रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर कई सारे ऑपरेशन हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस ऑपरेशन, देन पाई ऑपरेशन, ओके फॉर एग्जाम्पल कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन, जॉइन ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, ओके सेट डिफरेंस. तो ये कई सारे ऑपरेशन से रिलेशन एलजेब्रा में, जिनमें से कुछ ऑपरेशन इंडिविजुअल है और कुछ डिराइव्ड ऑपरेशन है. फॉर एग्जांपल अगर आप जॉइन की बात करो तो जॉइन एक डिराइव्ड ऑपरेशन है. मल्टी डिवाइड की बात करो तो डिवाइड भी एक डिराइव्ड ऑपरेशन है. तो इसको हम बोलते हैं सेलेक्ट ऑपरेशन, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट, और ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये है जॉइन, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस. द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा फॉर प्रोजेक्टिंग. प्रोजेक्टिंग का मतलब क्या है, अगर आपको एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने हैं, ओके जो आपका सेलेक्ट ऑपरेशन है वो पूरा का पूरा टपल सेलेक्ट करता है, और जो प्रोजेक्टिंग अ सेट ऑफ टपल्स फ्रॉम ए रिलेशन, अगर आपको पूरा टपल प्रोजेक्ट करना है तो आप यूज करते हो सेलेक्ट. अगर आपको एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट करना है देन यू यूज प्रोजेक्ट ऑपरेशन. ओके फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कोई क्वेरी है, लेट अस से पाई एस आई डी, फिर यहाँ पे सेलेक्ट ऑपरेशन के साथ में कुछ कंडीशन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेटर से मैंने कहा एज इक्वल्स टू 25 फ्रॉम विच टेबल, यहाँ पे बताऊंगा किस टेबल से, यानी कि लेटर से आर जॉइन एस. तो एक पर्टिकुलर एक रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी है. इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आर एंड एस का ज्वाइन करो, उसमें से वो लोग निकालो जिनकी एज 25 है, उसमें से एस आई डी सेलेक्ट करो. तो यहाँ पे आपने पर्टिकुलर एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया है, तो इसलिए प्रोजेक्ट ऑपरेशन को हम कहते हैं कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर है, और सेलेक्ट ऑपरेशन जो है वो पूरा टपल सेलेक्टर है. तो ये सेलेक्ट ऑपरेशन है, दैट इज सी ऑपरेशन. ये प्रोजेक्टिंग अ सेट ऑफ टपल्स की बात कर रहा है. तो पूरे टपल की बात करें तो आप सेलेक्ट ऑपरेशन की बात कर रहे हो, एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो आप प्रोजेक्ट ऑपरेशन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 28, द विच ऑपरेटर टेक्स द रिजल्ट ऑफ टू क्वेरीज एंड रिटर्न्स ओनली रोज दैट अपीयर इन बोथ रिजल्ट सेट. ओके ये कह रहा है कि दो क्वेरी लोगा रिजल्ट ऑफ टू क्वेरीज एंड रिटर्न्स ओनली रोज दैट अपीयर इन बोथ रिजल्ट सेट.
तो आप बात कर रहे हो इंटरसेक्शन की, ओके आप कॉमन निकालने की फाइंड आउट कर रहे हो. फॉर एग्जांपल दो क्वेरीज का मतलब क्या है, दो क्वेरीज का रिजल्ट एज ए इनपुट लेगा और आपको आउटपुट देगा नंबर ऑफ रोज, ओके रोज ओनली दैट अपेयर इन बोथ रिजल्ट. लेट अस से आपने कहा सेलेक्ट स्टूडेंट आई डी फ्रॉम कोर्स वेयर कोर्स इक्वल्स टू जावा, ओके हमेशा याद रखना स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में लिखते हैं हम इसके अंदर. एक क्वेरी तो ये हो गई, फिर आपने कहा इंटरसेक्ट, फिर आपने एक क्वेरी और लिखी, आपने कहा सेलेक्ट, और यहां पे भी सेम एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना होगा क्योंकि आप इंटरसेक्शन कर रहे हो, इंटरसेक्शन के लिए सेम एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगी. फ्रॉम लेट अस से यहां पे मैं कोई दूसरी टेबल यूज कर रहा हूं, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर लेट अस से एज इक्वल्स टू 25. दूसरी क्वेरी ये है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले कोर्स टेबल से वो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेंगे जिनका कोर्स जावा है, फिर आप स्टूडेंट टेबल से सेलेक्ट करोगे वो स्टूडेंट जिनकी एज 25 है. तो इसे आप सिंपली क्या फाइंड आउट कर रहे हो, आप वो स्टूडेंट फाइंड आउट कर रहे हो जिनकी एज 25 है और जो जावा कोर्स में इनरोल्ड है. तो इंटरसेक्शन टेबल क्या करेगी, इन दोनों का पहले इसका रिजल्ट फाइंड आउट होगा, फिर इसका रिजल्ट फाइंड आउट होगा, फिर इन दोनों में जो कॉमन रोज है वो इंटरसेक्शन उठा के आपको दे देगा. यही एक क्वेरी ये पूरा क्वेश्चन कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 29, अब व्हाट इज ए पिक्चोरियल डिपिक्शन ऑफ द स्कीमा ऑफ ए डेटाबेस दैट शोज द रिलेशन इन द डेटाबेस देयर एट्रीब्यूट एंड प्राइमरी कीज एंड फॉरेन कीज. तो ये बात कर रहा है रिलेशन, ये बात कर रहा है ER डायग्राम के बारे में, ओके जैसे कि स्कीमा डायग्राम भी बोलते हैं उस चीज को. एक टेबल होगी E, एक टेबल है R, एक रिलेशन है R और एक टेबल है M. इनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लेटर्स हैं, ई एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉई आईडी और इसके नीचे अंडरलाइंड है, इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी की है, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई एज, ओके इस तरह से रिलेशन के भी कुछ एट्रीब्यूट हो सकते हैं. लेटर्स से डिपार्टमेंट आईडी, ओके मैनेजर के कुछ एट्रीब्यूट हो सकते हैं कि मैनेजर आईडी, मैनेजर नेम. तो ये रिलेशन है, ER डायग्राम भी इसको बोलते हैं हम, जिसके अंदर हम एंटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल के थ्रू और एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल के थ्रू, रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे डायमंड के थ्रू. ओके जो रिलेशन बताओगे कि रिलेशन किस तरह का है वो आप ऐसे बता सकते हो कि मैनी टू वन, अगर आप ये भी स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो तो आप ऐसे बता सकते हो एक एरो की तरह, एरो की टाइप में जिस तरफ एरो का मूव होगा उस तरफ बोल सकते हो कि वन साइड है, यानी कि मैनी टू वन. अगर आप लिखते हो दोनों साइड एरो दैट मीन्स दैट कि जो रिलेशन है वो है आपका वन टू वन. अगर आप दोनों तरफ ही एरो नहीं है तो आप बोलते हो मैनी टू मैनी है, ओके. सो द व्हाट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट टेक वन और मोर रिलेशन एज इनपुट एंड रिटर्न रिलेशन एज ए आउटपुट. इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो कई सारे रिलेशन एज ए इनपुट लेगा एंड एक रिलेशन जो है वो एज एन आउटपुट देगा, तो वह क्वेरी लैंग्वेज ही हो सकती है जो कि रिलेशनल एलजेब्रा है. रिलेशनल एलजेब्रा क्या होगी, एक टेबल या एक से ज्यादा टेबल एज ए इनपुट लेगी और आपको आउटपुट देगी रिलेशन की फॉर्म में ही. तो किसी भी क्वेरी का इनपुट भी टेबल्स होंगी और आउटपुट भी एक रिजल्टेड टेबल होगी. क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन डिलीटिंग रिलेशन एंड रिलेटिंग स्कीमास. तो आप बात कर रहे हो कि इनमें से, मैंने जैसे बताया था जो क्वेरीज लैंग्वेजेस हैं जैसे SQL है उसके अंदर कई सारे पार्ट्स हैं, उसके SQL के पार्ट्स हैं DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो स्कीमा लेवल पे काम करता है, ओके यानी कि पूरी टेबल के बारे में बात करता है, या तो टेबल डिलीट करो या टेबल इंसर्ट करो या टेबल को मॉडिफाई करो. DML बात करता है डेटाबेस, डेटा के बेसिस पे, ओके डेटा वाली जिसकी इसकी ये स्कीमा लेवल है, हम बात करते हैं DML में डेटा लेवल पे. डेटा लेवल मींस इस टेबल के अंदर से ये डेटा डिलीट करो, ये डेटा इंसर्ट करो, ये डेटा मॉडिफाई करो. तो यहाँ पे हम डेटा लेवल पे बात करते हैं, ओके. फिर है आपकी क्वेरी लैंग्वेज जहाँ पे आप कई सारे ग्रुप बाय क्लोज वेयर क्लोज ये सब क्लोज यूज करते हो. फिर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जहाँ पे आप कंट्रोल बात करते हो डेटाबेस को कंट्रोल करने की, यानी कि रोल बैक इस तरह की कमांड एग्जीक्यूट करते हो. कमिट, ओके यहाँ पे आप बात करते हो लाइक दिस सेलेक्ट, ये जो क्लोज हैं सेलेक्ट फ्रॉम वेयर इंसर्ट इनटू, ये सब आप बात करते हो DML लेवल पे. DDL लेवल पे बात करते हो आप इंसर्ट क्रिएट टेबल की, ओके फॉर एग्जांपल क्रिएट
क्रिएट अ टेबल, डिलीट अ टेबल, या फिर ड्रॉप द टेबल, या फिर ट्रंकेट द टेबल, क्योंकि आप यहाँ पे लेवल टेबल लेवल पे बात कर रहे हो। जब आप पूरी टेबल के लेवल पे बात कर रहे हो, यानी कि जब ये आप इन ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करोगे तो पूरी टेबल पे इफेक्ट पड़ेगा, या तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, या पूरी टेबल क्रिएट हो जाएगी, या पूरी टेबल मॉडिफाई हो जाएगी। लेकिन जब आप डीएमएल की बात करो तो आप डेटा मैनुपलेट कर रहे हो। डेटा मैनुपलेट, डेटा मैनुपलेट मीन्स आप डेटा लेवल पे काम कर रहे हो। जब आप कह रहे हो सेलेक्ट, तो डेटा सेलेक्ट कर रहे हो, ना कि पूरी टेबल। फ्रॉम एक टेबल से जहाँ पे कंडीशन ट्रूज है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इंसर्ट करोगे तो इंसर्ट एक टेबल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ डेटा लेवल पे बात कर रहे हो। तो विच इज़ यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन। जब आप पूरे स्ट्रक्चर की बात करो, रिलेशन के बारे में बात करो, स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन, ओके, रिलेशन के लेवल पे बात कर रहे हैं, डिलीटिंग द रिलेशंस या फिर रिलेटिंग द स्कीमास। तो जब इन लेवल पे बात करो तो आप बात करते हो डीडीएल की, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। स्कीमा लेवल पे जब भी बात करेंगे, वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू क्वेरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस एंड टू इंसर्ट टपल्स इन टू डिलीट टपल्स फ्रॉम एंड मॉडिफाई टपल्स इन द डेटाबेस। तो जैसे मैंने बात करा इंसर्ट, डिलीट और मॉडिफाई, ये सब कमांड किसकी है? इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफाई, अपडेट, ये सब कमांड्स हैं डीएमएल की, जहाँ पर आप डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। सो दिस इज डीएमएल कमांड। ओके, डीएमएल में कौन कौन सी कमांड आएंगी? इंसर्ट इन टू, ओके, डिलीट फ्रॉम, लाइक दिस, ये सब कमांड होगी डीएमएल की। क्वेश्चन नंबर 34, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस? ये किस तरह का स्टेटमेंट है? क्या ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का स्टेटमेंट है, या फिर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का, या फिर व्यू का, या फिर क्वेरी का? तो अगर आप ध्यान से देखो, ये सिंपली किस कौन सी लैंग्वेज का है? डेटा मैनुपलेटिंग लैंग्वेज का, क्योंकि आप डेटा को शो कर रहे हो, मैनुपलेट कर रहे हो। द बेसिक टाइप कैरेक्टर एन, कैर एन, ये एक डेटा टाइप है एसक्यूएल में। डेटा टाइप की बात करें तो कैर एन है, वेर कैर है, इंटीजर, फ्लोट, ओके, इस तरह की कई सारे डेटा टाइप्स हैं। लेंथ इज ए फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर, और वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर इज ए फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग, एंड वेर कैर इज ए लेंथ वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर्स। जब आप बात करते हो कैरेक्टर्स की और स्ट्रिंग की, अगर आपको कोई स्ट्रिंग इंसर्ट करनी है अपनी टेबल के अंदर, उस लेटर से आपने एक एट्रीब्यूट लिया ए, एक बी, एक सी, ये एक टेबल है जिसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं आपके रिलेशनल स्कीमा में, और आपने कहा कि ए जो होगा वो कैरेक्टर टाइप का होगा, और जो बी होगा वो वैरकर टाइप का होगा, और वेरकर के साथ में आप इसका साइज भी स्पेसिफाई करोगे, लेटर से वेरकर 10। इसका मतलब ये है कि इस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी वो कैरेक्टर होगी, और कैरेक्टर जो है वो वेरिएबल कैरेक्टर होगा, मतलब वो 10 या 10 से कम की वैल्यूज हो सकती हैं। जितनी भी वैल्यूज आप लिखोगे, लेटर से आपने कहा ए बी, ओके, मुझे ए बी इंसर्ट करना है, दूसरे के अंदर ए बी सी इंसर्ट करना है, तीसरे के अंदर ए बी सी डी करना है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 बाइट लेगा, ये 3 बाइट लेगा, और नेटवर्क से जिसकी जो भी लेंथ होगी उतना टाइप लेगा, यानी कि वेरिएबल कैरेक्टर है। जितने भी वैल्यू आप यूज करोगे उतना ही साइज लेगा, बस मैक्सिमम साइज क्या है 10, लेकिन आपने कहा कैरेक्टर 10, इसका मतलब ये है कि इसकी फिक्स वैल्यू है 10 ही होगी। चाहे आप यहाँ इसके अंदर कुछ भी इंसर्ट करो, चाहे आप ए इंसर्ट करो, चाहे ए बी सी इंसर्ट करो, या फिर ए बी सी डी इंसर्ट करो, इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा 10 बाइट लेगा। ए बी 10 बाइट लेगा, ए बी सी भी 10 बाइट लेगा, ए बी सी डी भी 10 बाइट लेगा, लेकिन वेर करके इसमें ये 1 बाइट लेगा, ये 3 बाइट लेगा, और ये 4 बाइट लेगा। तो वेर कैरेक्टर्स में फिक्स वैल्यूज हैं, ओके, साइज जो है वो फिक्स्ड है, और जो वेर कैरे उसमें वेरिएबल लेंथ है, क्योंकि डायनामिकली चेंज होगी, जितनी भी आप वैल्यू इंसर्ट करोगे इसके अकॉर्डिंगली ये साइज लेगा। तो कैरेक्टर इज ए फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग, और वेर कैर इज ए वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर। सो फिक्स्ड एंड वेरिएबल इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, एन एट्रीब्यूट ए ऑफ डेटा टाइप वेर कैर 20 हैज द वैल्यू ए वी आई। ओके, इसने कहा कि एक डेटा टाइप है वेर कैर जिसमें वैल्यू है ए वी आई। द एट्रीब्यूट बी ऑफ डेटा टाइप कैर, ये फिक्स साइज का है और ये वेर कैर साइज का हैज़ वैल्यू रीड, हेयर एट्रीब्यूट ए, ए जो कि वेर कैर टाइप का है। मैंने कहा कि वेर कैर में जितनी वैल्यू आप इंसर्ट करोगे उतना ही साइज होगा, ए वी आई में 3 कैरेक्टर्स हैं तो ये साइज लेगा 3। ए हैज 3 स्पेसेस एंड एट्रीब्यूट बी हैज हाउ मेनी स्पेसेस। तो एट्रीब्यूट बी जो है वो कैरेक्टर टाइप का है, और वो 20 बाइट्स लेगा, क्योंकि फिक्स साइज है 20 बाइट्स, यहाँ पे वेरी कर सकता है 20 या 20 से कम, तो यहाँ पे होगा 20। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, टू रिमूव अ रिलेशन, कंप्लीट रिलेशन, ओके, हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, टू रिमूव अ रिलेशन
फ्रॉम एन एसक्यूएल डेटाबेस वी यूज विच कमांड. ओके, सो अगर हमें पूरा का पूरा रिलेशन ही रिमूव करना है तो हम ड्रॉप टेबल यूज कर सकते हैं. डिलीट कमांड, रिमूव कमांड, ड्रॉप टेबल, ये सब के सब कमांड सेम तरह से काम करती है, लेकिन ये अलग अलग हैं. डिलीट टेबल क्या करेगी, टपल बाय टपल डिलीट करेगी एक रिलेशन से, और बाद में क्या होगा, सारे के सारे टपल यानी कि टेबल एम्प्टी हो चुकी होगी, लेकिन अभी भी रिलेशन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि रिलेशन की स्कीमा जो है वो रहेगी, ये पूरी स्कीमा डिलीट नहीं करेगा. रिमूव क्या करेगा, एक बार में ही सारे के सारे वैल्यूज रिमूव कर देगा टेबल के अंदर से. ओके, ये कॉलम, ये रो वाइज करेगा, रो वाइज करेगा, और ये एक बार में ही पूरी टेबल एम्प्टी कर देगा, लेकिन अभी भी स्कीमा रहेगी. लेकिन ड्रॉप टेबल क्या करेगा, ये कमांड स्कीमा लेवल पे काम करती है, यानी कि ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड है. ड्रॉप टेबल ये क्या करेगा, एक टेबल के अंदर जो वैल्यूज हैं वो तो डिलीट करेगा ही करेगा, साथ में टेबल को भी डेटाबेस से रिमूव कर देगा, यानी कि टेबल भी ना तो एम्प्टी ना स्पेस के साथ में पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी डेटाबेस के अंदर से. दैट इज द वर्क ऑफ ड्रॉप टेबल कमांड. क्वेश्चन नंबर 38, डिलीट फ्रॉम आर. ओके, सिंपल सी कमांड है, डिलीट फ्रॉम आर. आर इज द नेम ऑफ रिलेशन. दिस कमांड परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, रिमूव रिलेशन, क्लियर रिलेशनल एंट्रीज, या फिर डिलीट फील्ड्स, या फिर डिलीट रोज. तो डिलीट फ्रॉम आर का मतलब यह है कि आप क्या कर रहे हो, पूरी की पूरी सारी रोज डिलीट कर रहे हो, जैसे मैंने अभी बताया था. क्वेश्चन नंबर 39, इंसर्ट इन टू इंस्ट्रक्टर, वैल्यूज आर दीज, वट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस. जैसे मैंने बताया था इंसर्ट डिलीट, अगर आप टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हो, टेबल के अंदर से डिलीट कर रहे हो, तो आप डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बात कर रहे हो. ओके, DDL के अंदर क्रिएट टेबल, डिलीट टेबल, ड्रॉप टेबल, ये सब चीज़ें आएंगी. DML की बात करो तो उसमें आप अगर कुछ भी इंसर्ट कर रहे हो, यानी कि डेटा लेवल पे काम कर रहे हो, आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो, तो आप बात कर रहे हो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की, आप टेबल का डेटा चेंज कर रहे हो. क्वेश्चन नंबर 40, अपडेट्स दैट वायलेट्स आर डिसअलाउड. अब टेबल के अंदर आप जो वैल्यूज इंसर्ट करोगे, कोई भी वैल्यू इंसर्ट करने से पहले टेबल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चेक करेगा कि जो वैल्यूज आप इंसर्ट कर रहे हो कहीं वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, वो कोई इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट तो वायलेट नहीं कर रहा है. तो एक डेटाबेस, एक टेबल के अंदर कई सारे इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, डोमेन कॉन्स्टेंट्स, ओके, की कॉन्स्टेंट्स, तो इस तरह के कई सारे कॉन्स्टेंट्स होंगे टेबल पे लगे हुए. मतलब क्या है डोमेन कॉन्स्टेंट का, मतलब ये है कि आप जब उस, जब कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो किसी फील्ड की, तो आप पहले डोमेन के लिए चेक करोगे. लेट अस से एक उस एट्रीब्यूट का डोमेन था इंटीजर, और आप जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो वो है कैरेक्टर वैल्यू, तो वो हम वायलेट, वो क्या कर रहा है, वो डोमेन कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहा है, और अब तो आप उस वैल्यू को डिसअलाउ कर दोगे, यानी कि अलाउ नहीं करोगे. अगर कोई की एट्रीब्यूट है और उसके अंदर आप कोई डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, तो आप वायलेट कर रहे हो की कंस्ट्रेंट को. अगर कोई इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट है, लेट से कोई रेफरेंशियल कॉन्स्टेंट लगा हुआ है, रेफरेंशियल कॉन्स्टेंट का मतलब है कि एक फॉरन की है जो किसी और प्राइमरी की को, किसी प्राइमरी की को रेफर कर रही है, तो अगर आप किसी फॉरन की के अंदर, जैसे मैंने बताया, अगर कोई नई वैल्यू इंसर्ट करते हो, तो वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को वायलेट कर रहा है, क्योंकि जो फॉरन की है उसके अंदर वही वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं जो पहले से प्राइमरी की फील्ड के अंदर है. तो इस तरह से कई तरह के इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स है, और वो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स जो है वो वायलेट ना होने चाहिए किसी भी नई वैल्यू इंसर्शन के साथ में. अगर वो वायलेट हो रहे हैं, तो आप उसको उस वैल्यू को इंसर्ट करना ही डिसअलाउ कर दोगे. आपकी एसक्यूएल, जब आप एसक्यूएल पे क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे, तो वहीं से आपको एरर शो कर देगा कि यूअर क्वेरी इज वायलेटिंग द इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स. सो अपडेट्स दैट वायलेट द इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स आर डिसअलाउड. क्वेश्चन नंबर 41, सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर नेम कोर्स आई डी फ्रॉम इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टर टीचिज वेयर इंस्ट्रक्शन डॉट आई डी टू टीचिज डॉट आई डी. तो ये कह रहा है कि विच कीवर्ड मस्ट बी यूज हेयर टू रीनेम द फील्ड नेम. ओके, तो ये कह रहा है कि सेलेक्ट नेम, और आपको इसको जो आप नेम सेलेक्ट कर रहे हो उसको एक नई टेबल में लेना है, और उस टेबल का नाम रख रहा है एज इंस्ट्रक्टर नेम. तो रीनेम करने के लिए आप यूज करते हो कीवर्ड एज. अब क्या होगा, एक नई टेबल बनेगी इंस्ट्रक्टर नेम कोर्स आई डी. ओके, और उसमें आएगा जो वैल्यूज सेलेक्ट होके आएंगी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टीचिज. ये हो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है कार्टिजन प्रोडक्ट, और कार्टिजन प्रोडक्ट होने के बाद में आप वही वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हो जो इन दोनों के अंदर है. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बना रहा है, ज्वाइन ऑपरेशन. ये ज्वाइन ऑपरेशन हो रहा है. तो इंस्ट्रक्टर टेबल एंड टीचिज टेबल जो है वो ज्वाइन हो रही है, उसके बाद में जो वैल्यू सेलेक्ट हो रही है उसको आप रीनेम कर रहे हो एज इंस्ट्रक्टर नेम. क्वेश्चन नंबर 42, सेलेक्ट स्टार. ओके, सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज सी. क्वेश्चन नंबर 42, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस. ओके, इन द एसक्यूएल गिवन अबव देयर इज एन एरर. इस क्वेरी में एक एरर है, आइडेंटिफाई द एरर.
डिपार्टमेंट नेम में तो कोई एरर हो ही सकता है, एम्प्लॉई ये तो नेवी नेम है, कोई एरर हो नहीं सकता है, फ्रॉम द सिंपल क्लोज है तो ये भी ओके है। कंप्यूटर साइंस में एक एरर है, वो एरर क्या है, जब भी आप स्ट्रिंग लिखोगे वो सिंगल कोट के अंदर लिखोगे ना कि डबल कोट के अंदर, ओके तो ये एक एरर है यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम लाइक आप यूज करते हो स्ट्रिंग मैचिंग के लिए, अगर आपको कोई स्ट्रिंग मैचिंग करानी है अपनी डेटाबेस के अंदर, यानी कि आपको कुछ ऐसी वैल्यूज रिजल्ट में लेके आनी है जो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न मैच कर रही हो, लाइक वॉट कंप्यूटर साइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज टू बी एडिड इन टू द ब्लैंक टू सेलेक्ट द डिपार्टमेंट नेम विच हैज कंप्यूटर साइंस एट इट्स एंडिंग। कंप्यूटर साइंस अगर एंडिंग में है तो आप क्या यूज करते हो, परसेंट साइन, ओके परसेंट साइन के थ्रू आप क्या करते हो, स्ट्रिंग मैचिंग करते हो। अगर कंप्यूटर साइंस को आप एंडिंग में देखना है विच हैज कंप्यूटर साइंस एट इट्स एंडिंग, तो आप पहले परसेंटेज ऐड करोगे। अगर आप चाहते हो कंप्यूटर साइंस जो है वो स्टार्टिंग में हो और जो भी डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट हो रहा है मुझे वो आउटपुट चाहिए, तो आप क्या करोगे, लाइक कंप्यूटर साइंस और लास्ट में ऐड करोगे परसेंट साइन। सो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू फिजिक्स ऑर्डर बाय नेम। तो अगर आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि ऑर्डर बाय एक क्लॉज है जो इस नेम को ऑर्डर कर देगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में उसको ऑर्डर कर देगा। ओके अगर आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया असेंडिंग या डिसेंडिंग देन वो उसी के अकॉर्डिंगली करेगा, लेकिन अगर आपने बाय डिफॉल्ट कुछ भी यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, आपने ये तो कह दिया कि ऑर्डर बाय नेम, लेकिन किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में उसको शॉर्ट करेगा, ऑर्डर करेगा। तो यहाँ पे आप दो चीज स्पेसिफाई कर सकते हो, ऑर्डर बाय नेम, असेंडिंग और डिसेंडिंग। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर ऑर्डर बाय सैलरी, यहाँ पे असेंडिंग और नेम डिसेंडिंग। तो ये पूछ रहा है कि टू डिस्प्ले द सैलरी फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर एंड नेम इन असेंडिंग ऑर्डर, तो नेम में तो ये कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, कीवर्ड है ASC। अगर आपको नेम असेंडिंग ऑर्डर में शो करना है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि पहले ए के आएंगे, फिर बी के नेम्स आएंगे, फिर सी नेम्स आएंगे। अगर आपको सैलरी शो करनी है ग्रेटर टू स्मॉलर, यानी कि पहले वैल्यूज जो है 100 आएगी, फिर 99, फिर 98, फिर 97, लाइक दिस ग्रेटर टू स्मॉलर, इसका मतलब क्या है कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो। तो सैलरी को आपको ऑर्डर करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में और नेम को ऑर्डर करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में, ये सेटिस्फाई करने के लिए, कंडीशन जो दी गई है सेटिस्फाई करने के लिए। सो द राइट आंसर इज सी, दैट इज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। जो कीवर्ड है वो DESC एंड ASC है। क्वेश्चन नंबर 46, सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर सैलरी लेस देन इक्वल्स टू 1 लाख एंड सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90,000। तो मतलब क्या है कि आप वो सैलरी सेलेक्ट कर रहे हो जो 90,000 के और लेट अस से 1 लाख के बीच में है। ओके दिस क्वेरी कैन बी रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सेम चीज़ आप एक और क्लोज के थ्रू कर सकते हो। ये जो आप फाइंड आउट कर रहे हो रेंज, मतलब कुछ बीच में 90,000 एंड 1 लाख के बीच में आप फाइंड आउट कर रहे हो, यानी कि बिटवीन, तो उसके लिए एक क्लोज है आपके पास में SQL में, वो है बिटवीन। सेलेक्ट नेम इंस्ट्रक्टर वेयर सैलरी बिटवीन 90,000 एंड 1 लाख, सो दिस इज ओके। इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई, ये तो यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि आप एम्प्लॉई से सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप तो इंस्ट्रक्टर से सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपको वो क्वेरी चाहिए जो बिल्कुल इसके इक्वल ही हो। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है क्योंकि एम्प्लॉई डी कह रहा है कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर सैलरी बिटवीन 10 लाख एंड 90,000, ये इसकी वजह से गलत हो गया है। आपको एक्चुअल में 90,000 एंड 1 लाख के बीच की चाहिए, ना कि 1 लाख एंड 90,000 के बीच की, तो यहाँ पे ये रिप्लेस होगा, ये उल्टा हो गया है। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, सेलेक्ट इंस्ट्रक्टर डॉट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टीचिज वेयर इंस्ट्रक्टर डॉट आईडी इक्वल्स टू टीचिज डॉट आईडी। तो ये क्या हो रहा है, ज्वाइन ऑपरेशन हो रहा है इंस्ट्रक्टर एंड टीचिज के बीच में, उसके बाद में आप इंस्ट्रक्टर टेबल के सारे एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर रहे हो इंस्ट्रक्टर डॉट स्टार, यानी कि आपको सारे के सारे एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने हैं इंस्ट्रक्टर डॉट स्टार के। दिस क्वेरी डज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस, ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंस्ट्रक्टर एंड टीचिज आर सेलेक्टेड, नो ओनली एट्रीब्यूट्स आर सेलेक्टेड ऑफ इंस्ट्रक्टर टेबल, All attributes of instructor are selected on the given condition. This is okay. All attributes of teachers are selected on the given condition. No. Actually, we can see clearly from here, we are selecting only instructor table. Only the sum attribute from instructor and teachers are selected. Okay. क्या ये सही है? ये सही है. क्यों? क्योंकि कुछ attribute ही one of these, only the sum of attributes from instructor and teachers are selected.
एक्चुअली स्ट्रक्चर एंड टीचिस से नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर से ही होगा. दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर. ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर एंड टीचिस. सो टीचिस से तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा, कंडीशन भले ही दोनों पे लग रही हो. यहाँ पे सिर्फ इक्वल ये क्या ये कंडीशन चेक करेगा कि जहाँ पे स्ट्रक्चर आईडी और टीचिस टेबल के अंदर जो आईडी है वो दोनों सेम है, उनके बेसिस पे स्ट्रक्चर के अंदर सारे के सारे एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर लेंगे. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 48. इन एसक्यूएल द स्पेसेस एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग आर रिमूव्ड बाय ट्रिम फंक्शन. वी हैव अ वेरी सिंपल फंक्शन ट्रिम फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू रिमूव द स्पेसेस और अनवांटेड टेक्स्ट फ्रॉम द स्ट्रिंग. ओके दैट इज सी. क्वेश्चन नंबर 49. द यूनियन ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल. सो दिस इज वेरी सिंपल. दिस इज यूनियन, दिस इज इंटरसेक्शन, दिस इज सेट डिफरेंस एंड दिस इज मल्टीप्लीकेशन. क्वेश्चन नंबर 50. द इंटरसेक्शन ऑपरेटर इज यूज टू गेट द कॉमन टपल्स. ओके बी इज द राइट आंसर. दैट इज कॉमन टपल्स. दैट्स वाई वी यूज इंटरसेक्शन ऑपरेशन. So these were the 50 questions which were very simple, okay, not that much of level. So अगले 50 questions हम थोड़े level के questions होंगे जिनमें queries होंगी और normalization की questions होंगे जो normal forms पे होंगे, यानी कि BCNF, 2NF and 3NF पे. कुछ translation in concurrency के questions होंगे like serializability and recoverability पे. कुछ deadlock पे भी questions होंगे. उसके बाद में relation algebra पे questions होंगे और ER model पे questions होंगे. Okay, so keep watching. Thanks for watching.